दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों केवीएस में जो परमानेंट वैकेंसी आनी है 2020 में, वो तो होगी ही होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि आमतौर पर हम चाहते हैं कि एक बार परमानेंट जॉब हमें केवीएस जैसे संस्थान में मिले, लेकिन उससे पहले अगर आप केवीएस के अंदर एंट्री करो गेस्ट टीचर के रूप में, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में, तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे होंगे और वो फायदे आपको केवीएस में परमानेंट जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं, इतने ज्यादा स्कूलों के अंदर केवीएस में टेम्परेरी कह सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कह सकते हैं, गेस्ट टीचर कह सकते हैं, उसकी वैकेंसी आई है। मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ कहाँ कहाँ पर कौन से स्कूलों में वैकेंसीज है। आप लोग उनमें देखिए, ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा आपके लिए फायदा होगा। पूरी बात करेंगे उससे क्या फायदा होगा, क्या रहेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले, देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों, टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के लिए वोकेंट इंटरव्यू चल रहे हैं। इन पदों में विभिन्न विषयों के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन के साथ संस्थान द्वारा निर्धारित डेट समय उसके ऊपर जाएं वोकन इंटरव्यू के लिए, और केंद्रीय विद्यालय टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं वोकन इंटरव्यू करने के बाद। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां पर ये ऑप्शंस आपके लिए यहां पर दिए गए हैं। ये दैनिक जागरण की वेबसाइट है और ये इसका उद्देश्य हमारा यहाँ पर सिर्फ बच्चों को वैकेंसी के बारे में जागरूक करना है, और हमारा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है। तो आइए देखते हैं। 500 पहले सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय जनकपुर नई दिल्ली में वोकन इंटरव्यू, न्यू दिल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वैकेंसी 2020। केंद्रीय विद्यालय जनकपुर नई दिल्ली ने विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए वोकन इंटरव्यू का आयोजन कर रहा है। अट्ठाईस फरवरी को सुबह यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और इसके ऊपर अगर आपको देखना, मैं लिंक दे दूंगा इसका नीचे, अगर इसके ऊपर ध्यान से देखना तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आगे नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर चला जाएगा ये, और नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर यहाँ सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है ये आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जाएंगे तो दूसरे नंबर पर है केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी वोकन इंटरव्यू है, यहाँ पर भी पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, और टीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, एसएसटी, तीनों के लिए, पांचों के लिए है। प्राइमरी टीचर के लिए है, सपोर्ट्स कोच के लिए है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है, संगीत म्यूजिक टीचर के लिए है, नर्स, काउंसलर और योगा टीचर सभी के लिए यहाँ पर है। तो और इनका 22 फरवरी, ये भी डेट याद रखना, क्योंकि अब जब वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो 21 तारीख को बना रहा हूँ, तो जो बच्चे आज और कल में आज देख पाए प्लीज उनको आप जाइए, और प्लीज अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जो 22 तारीख वाले हैं अगर आप सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो शायद किसी बच्चे को हमारी वजह से फायदा हो पाएगा। तीसरा अगला है आपका केंद्रीय विद्यालय एनएसजी मानेसर गुड़गांव। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों को पता ही है, देश के अंदर एक बहुत बड़ी गौरव का काम करती है संस्थान, और इसका हेड ऑफिस वहां पर है, तो वहीं पर इनके लिए केवीएस स्कूल है। एनएसजी मानेसर गुड़गांव में वोकन इंटरव्यू है, यहाँ पर पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। केवीएस के लिए पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, एसएसटी, तमाम सभी सब्जेक्ट ज्यादातर इसमें दिए गए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप लोगों को ज्यादातर सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, पोस्टें खाली हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट टीचर, टेम्परेरी टीचर इतने लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब पद ऑब्वियसली काफी अच्छे खाली हैं, तो परमानेंट वैकेंसी की उम्मीदें बड़ी जल्दी हैं। तो यहाँ पर अगर गुड़गांव वाले में देखेंगे, मानेसर वाले में, तो इंटरव्यू की तारीख रखी गई 26 फरवरी। 26 फरवरी, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना दिल्ली एनसीआर के आसपास खासकर रहते हैं, वो 22 तारीख से लेकर 28 30 तारीख तक डेली इंटरव्यू दे सकते हैं अलग अलग जगह, और कहीं ना कहीं इजीली हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, उस पर भी बात करेंगे क्या करना है। केंद्रीय विद्यालय तिरुवनमलई में भी है ये, और इसके अंदर भी ये सारी पोस्ट दी गई है साउथ इंडिया के लिए, जो बच्चे जा सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय 1 और 2 एयरफोर्स
हिंडन गाजियाबाद, गाजियाबाद वाले बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं या फिर नोएडा साइड के हैं, वो उधर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आसान हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और नंबर 2 दोनों में है, दो है यहाँ पर, और एयरफोर्स जो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन या एक प्रकार से एयरपोर्ट भी बना भी, तो वहां पर गाजियाबाद में है। इसके अंदर भी आप लोगों के लिए जो पोस्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर इकोनॉमिक्स कॉमर्स पॉलिटिकल साइंस। टीजीटी में 500 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होगा, इंग्लिश होगी, मैथ होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, संस्कृत होगा, 6 सब्जेक्ट होंगे, और बाकियों के लिए भी इसके अंदर आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ये है बुलंदशहर, केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर। बुलंदशहर के अंदर भी वैकेंसी आपके लिए हैं, और इसमें जो वैकेंसीज हैं इसमें इन्होंने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर ने प्राथमिक शिक्षक सभी विषयों के लिए स्नातकोत्तर और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, संगीत कला, स्पोर्ट्स कोच, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए इंटरव्यू मांगे हैं। और ये 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक 3 दिन चलेगा, 22, 23, 24, जो अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है केंद्रीय विद्यालय सोनीपत। सोनीपत वालों के लिए जो दिल्ली के हैं या हरियाणा के आसपास के हैं वो बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं। टीजीटी केंद्रीय विद्यालय सोनीपत ने विभिन्न पदों और नॉन टीचिंग पदों के लिए टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, आर्ट, क्राफ्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सभी के लिए मंगवाए हैं। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय गुड़गांव, गुड़गांव का जो बेसिक है जो सेक्टर 14 के आसपास है एयरपोर्ट के पास, उसमें स्टेशन के पास, वहां पर ये पोस्ट है, और इसमें भी आप लोगों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और सभी के लिए यहाँ पर भी है। उसके बाद एक है केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद, एक और अलग संस्थान है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, इसका केवीएस का ऑफिस, इसको आप एक प्रकार से नए स्कूल के रूप में देख सकते हैं, 1-2 के बाद दूसरा है ये, तो यहाँ पर भी आपके लिए इसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। तमाम सभी की वेबसाइट पर सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएंगी, इसमें मुश्किल नहीं है। एक है केंद्रीय विद्यालय नरेला केंद्र, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय नरेला में जो सोनीपत साइड वाले कैंडिडेट हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए आसान होने वाला है ये, तो यहाँ पर नरेला वाले में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय द्वारका के लिए है, द्वारका में गुड़गांव के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, आसपास के काफी सारे बच्चों को ये सूट कर जाएगा, तो ये केंद्रीय विद्यालय द्वारका के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। एक और है केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्ट टीचर योग्यता मानदंड और सैलरी, मानदंड सैलरी की अगर बात करेंगे, केंद्रीय विद्यालय में सविता टीचर और अन्य पदों के लिए निर्धारित योग्यता मानदंड नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से होंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्ट टीचर व अन्य के लिए योग्यता मानदंड, और दूसरे नंबर पर है कॉन्ट्रैक्ट टीचर व अन्य पदों के लिए निर्धारित सैलरी। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। सबसे पहले तो अगर आप रूल्स देखेंगे तो ये यहाँ पर दिया गया है उप प्राचार्य पदों के लिए या बाकी पदों के लिए, सभी के लिए आप लोगों को इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और उसके बाद अगर आप दूसरी कंडीशन, अगर सैलरी वैली की बात करें, योग्यता की बात करें, तो ये पूरी चीज इन्होंने दी है यहाँ पर के लिए। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड, कंसोलिडेटेड पे स्केल होता है, तो 27,000, 27,500, 32,000, 35,000। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी तीनों नॉर्म दिए गए, नॉर्मल, हार्ड और वेरी हार्ड। पीआरटी के लिए भी तीनों दिए गए हैं, इस तरीके का आप यहाँ पर देख सकते हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी दे सकते हो, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए, स्पोकन इंग्लिश टीचर के लिए, सभी के लिए ये पे स्केल के बारे में इन लोगों ने खास करके जो मंथली पे स्केल बताया है, मोड बताया है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का, ये आप लोगों के लिए है। यानी कहने का मतलब ये है कि 25-26 हज़ार रुपये से लेकर के आप 32-33 हज़ार रुपये तक आपका यहाँ पर हो सकता है, और ये आप लोगों के लिए ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में ज्वाइन कर रहे हो ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो आप उस इन्वायरमेंट में रहोगे जिस इन्वायरमेंट में आप लोगों को नौकरी लेनी है, वहां पे जिन लोगों का पहले सिलेक्शन हो चुका है, जो वहां पर काफी सीनियर लोग हैं, उन लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा, उन लोगों से वहां के अच्छाई और बुराइयों के बारे में पता चलेगा, उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया इन चीजों का पता चलेगा, वहां का जो सिलेबस आप बच्चों को पढ़ाओगे वो पूरा सिलेबस से आप जान पहचान आपकी होगी, उनका पता चलेगा, और वही सिलेबस आप लोगों के काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए एग्जाम में फायदेमंद भी होंगी। तो ये बहुत फायदे होने वाले हैं, और हो सकता है कि कल ना कोई एक्सपीरियंस का फायदा देने लग जाए केवीएस और हो जाए, वो होगा प्राइवेट स्कूलों में इधर उधर जाने से या खाली बैठने से, इधर उधर नौकरी ढूंढने से या घर पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं जाइए, स्कूलों के बच्चों के बीच में रहिए, पढ़ाइए उनको, अपनी तैयारी कीजिए, एक अच्छा काम है। और आप लोगों को जो सपना आपके लिए है, जो ड्रीम आपने देखा है केवीएस या बड़े संस्थान में जॉब करने का टीचिंग के रूप में, वो आधा तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल में जाके ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद मेहनत कीजिए, तैयारी आपकी हो ही जाएगी, तो सिलेक्शन में कोई कमी आपको नहीं होगी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू के लिए जाइए,
आइडिया कम से कम आपको जरूर लग जाएगा कि किस तरीके का इंटरव्यू ये लोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आज के लिए इतना ही था। केवीएस की अगर परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करें तो जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, हम आप लोगों को बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सभी प्रकार की केवीएस की परमानेंट पोस्ट के लिए हम लोग नोट्स देते हैं, बाई कोरियर ऑल ओवर इंडिया में आपको पहुंचाए जाते हैं, आप जब चाहें तब उनको ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।